मैं ये ना अनुपमा का ही फैक्टर है, मैं वाला. मेरी मम्मी अनुपमा देखती तो मेरे ना जुबान पे उसकी लैंग्वेज चढ़ रही है. अच्छा, बहुत सारे लॉग और मिंत्रा हॉल आप लोगों से शेयर करेंगे करेंगे व्हाट इज कवरेंगे. हाय गाइस, राम राम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो. सो अनदर मिंत्रा हॉल इज हेयर फॉर यू गाइस. लास्ट मैंने जो किया था आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा एंड मुझे अच्छा रिस्पांस मिला उस पर. सो मैंने सोचा मैं एक और शेयर करती हूँ. ऑल्सो आई एम अपग्रेडिंग माय वार्डरोब, तो धीरे धीरे मेरे को चीज़ें खरीदनी है तो मैं उनको हॉल्स में भी दिखा देती हूँ. सो हेयर वी गो. एंड बाय द वे मैं बता देती हूँ, मुझे इस टाइम ये वीडियो शूट करते हुए बिल्कुल भी 1% मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं ये सेम वीडियो सुबह शूट कर चुकी हूँ जिसमें कि मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी. लाइक स्टार्टिंग की 1 मिनट आवाज़, उसके बाद आवाज़ ही गायब है. तो फिर से शूट कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ी लो इन एनर्जी आपको मैं नज़र आऊँगी, बट ठीक है. अगर आप लोग मुझसे थोड़ा और रूबरू होना चाहते हैं देन प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो. अगर आप नए हो पुराने हो तो भी मुझे बताओ. मतलब मुझे कॉमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है यार. कॉमेंट्स प्लीज़ डू कॉमेंट वट एवर यू फील लाइक अबाउट द वीडियो, पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव अगर बोल रहे हो तो थोड़ा प्यार से बोलना कि बुरा ना लगे. ठीक है, स्टार्टिंग विद द वीडियो नाउ. वेरी फर्स्ट पीस इज दिस सांग्रियाज वुमेन ग्रीन एंड वाइट ज्योमेट्रिकल प्रिंट प्योर कुर्ता सेट विद प्लाजो. अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता देती हूँ. ये सारे ना मैंने इस चीज़ को दिमाग में या ध्यान में रख के हॉल में इंक्लूड करे हैं कि ऑफिस गोइंग हो तो भी इनको आप वेयर कर सकते हो, कॉलेज गोइंग हो तो भी, अगर आप घर में जाओ तो घर में भी पहन सकते हो. थोड़ा बहुत पूजा टाइप की वाइब्स अगर आपको चाहिए, किसी छोटे मोटे पूजा या फंक्शन वगैरह में जा रहे हो तो भी आप इसको कैरी कर सकते हो. इफ़ यू आर समवन जिसको सिंपल रहना या सिंपल कपड़े पहनने ज़्यादा अच्छा लगता है, सो या दैट्स दैट. एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट स्टार्ट विद आर फर्स्ट पीस जो कि सांग्रिया ब्रांड का जियोमेट्रिकल प्रिंट. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. ये उसका कुर्ता है, पैम्पलम जो कुर्ते हैं ना ये वैसा है, पैम्पलम टॉप बोल सकते हो इसको. और इसके 3/4 स्लीव्स दे रखी हैं. स्लीव्स के ऊपर ना यहाँ पर ये जो कुर्ते का पैटर्न है वो है, एंड देन स्लीव्स पे ये इसके पेंट का पैटर्न है. मैं दिखाऊंगी पेंट तब आपको समझ आएगा. एंड ये कुछ ऐसी लग रही है. बटन्स दिए गए हैं, बटन्स ओपन हो सकते हैं एंड बटन अप भी हो सकते हैं. और ये नीचे पूरा इन्होंने वो दे रखा है, प्लीट डाल के पूरा इन्होंने वो पैम्पलम वाला इफेक्ट. सो ये उसका कुर्ता है. इसकी जो पेंट्स है ना वो कुछ इस तरीके से, इस पर आप देखो ब्लैक एंड वाइट का स्ट्रैप वाला प्रिंट है एंड देन इट हैज़ दीज पॉलका डॉट्स वाइट कलर में. और जो नीचे का प्लाजो है वो नैरो नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इट्स समवेयर इन बिटवीन जो कि इस पैम्पलम के साथ कॉम्प्लीमेंट करे. इसको बहुत हैवी नहीं बना रहे, शरारा वाला लुक नहीं दे रहे हैं. सो ये कुछ ऐसा है. टॉकिंग अबाउट द मटीरियल ऑफ दिस क्लोथ इज़ वेरी वेरी गुड क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी. मतलब जिसको बोलते हैं ना ऐसा कपड़ा जो कि ब्रीदेबल भी हो येट वो ट्रांसपेरेंट ना हो, इट इज़ टोटली दैट काइंड ऑफ स्टफ़. बिल्कुल भी पहना आपको इनर वगैरह पहने की कोई नीड नहीं है इसके नीचे. और कपड़ा इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि गर्मी भी नहीं लगती है. सो ये कुछ इस टाइप का है. दिस इज़ द टॉप एंड दिस इज़ द बॉटम. ये मुझे पड़ा 1229 रुपीज़ का, जो कि मुझे वर्थ इट लग रहा है. बट लेकिन अभी करंटली अगर मैं देखूँ ना इसका प्राइस 200 रुपीज़ कम है, लाइक ये 1030 रुपीज़ का दिखा रहा है इसमें. दैट इज़ आर फर्स्ट वन. अब बारी आती है हमारे सेकंड पीस की एंड दैट इज़ दिस अनूक विमेन वाइट प्रिंटेड कुर्ता विद ट्राउजर्स एंड दिस इज़ इन द साइज़ एस. और जो ये था ना ये हमारा साइज़ एम में था. अभी जो मैं नेक्स्ट पीस दिखा रही हूँ ना, ज़रूरी है वो सबको पसंद आए, सबकी अपनी चॉइस होती है, बट लेकिन मुझे इस टाइप के पैटर्न और प्रिंट्स और कलर बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे ब्लैक एंड वाइट बहुत ज़्यादा सही लगता है. मतलब अगर ब्लैक के ऊपर वाइट का वर्क हो या वाइट के ऊपर ब्लैक का वर्क हो मुझे दे दो, आई वुड लव टू हैव दैट. सो ये कुछ इस तरीके से है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉर्ड सेट जो कि कुर्ता और पेंट मिला लूज, जैसे पाकिस्तानी काइंड ऑफ लोग, पाकिस्तानी काइंड ऑफ जैसे पाकिस्तान में आपके आपने पाकिस्तानी ड्रामोज में देखा होगा ना, लूज लूज कुर्ता होता है एंड पेंट्स होती है वो पहनते हैं. सो ये उसी टाइप का कुछ है. इस तरीके का ये पैटर्न है इसमें ब्लैक एंड वाइट का. एंड ऊपर से ना यहाँ पर जो इसका नेक है वहाँ पर ये बटन वाला थिंग दिया गया है जो कि इसको फिर बाद में थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा बॉट नेक वाली फीलिंग देता है. एंड देन इट हैज़ दीज स्लीव्स जो कि 3/4 से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है और स्लीव्स ना नीचे से इसे ब्रॉड कर दी है. सेम वे विद द हमारा जो इसकी झोली है, आगे से छोटी है पीछे से बड़ी है, इस टाइप से दिया है. मैंने ये साइज़ एस में ऑर्डर किया जो कि मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इसकी पहनने के बाद वो लुक नहीं आ रही जो मैंने
फ़ोन में देख के इसको ऑर्डर किया था, अगर ये एम साइज़ में होता ना तो इसकी डेफिनेटली वही लुक आती। मैं अगर इसको एम साइज़ में ऑर्डर करती तो ये डेफिनेटली वही लुक देता जो मुझे चाहिए। आपका जो साइज़ है ना उससे एक साइज़ इसको अप ऑर्डर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साइज़ चार्ट के अकॉर्डिंग एस मुझे सूट कर रहा था, जो वो मेजरमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, बट लेकिन मैं एम करती तो काफ़ी बेटर रहता। सो दैट्स दैट। ये हमारा टॉप है, इसका बॉटम भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बॉटम इज़ अ वेरी कूल स्ट्रेट पेंट वाला थिंग एंड दैट्स दैट। इसके कपड़े की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ ऑफ कॉटन, जो कॉटन में जिसमें बहुत जल्दी जल्दी गुलझटे पड़ती है ना, इसमें ये वो वाला कॉटन है। एंड इट वॉज फॉर 1000 rupees। सो 1000 के अकॉर्डिंग दिस इज़ वर्थ इट। लाइक पैसे अगर इसमें डाल रहे हो अच्छा ही है। वॉश करने के बाद ना थोड़ा सा ये श्रिंक होगा, बिकॉज इट फील्स लाइक अ प्योर कॉटन, तो मुझे लगता है कॉटन श्रिंक होती हैं। तो हाँ, दैट्स दैट। कमिंग टू आर नेक्स्ट पीस इज दिस फ्लोरल प्रिंटेड रेगुलर कुर्ता विद ट्राउजर्स। दिस इज ऑल्सो इन द साइज एम। दिस इज़ वट द कुर्ता लुक्स लाइक। काफ़ी प्रिटी, काफ़ी सुंदर, पहनने का बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट सी वाइब देता है। गेट रेडी विद, मतलब कर तो मैं उसका गेट रेडी विद मी शूट रही थी और इसका ट्राई ऑन साथ साथ रही थी, उसमें पहना हुआ इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि इसका जो नेक है ना वो काफ़ी डीप है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ ओके विद द क्लीवेज थिंग, जाओ इसको ले लो फटाफट जाके, बिकॉज ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट नहीं तो फिर ना या तो इसके नेक को ऐसे थोड़ा सा स्टिच करवा सकते हो, चिट बटन काइंड ऑफ लगवा के, पहनने के बाद उससे क्लोज कर सकते हो इतने कुछ एरिया को, या फिर आप देख लो आपको जैसे सही लगे। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, बट लेकिन आई गेस कि अगर मैंने यहाँ पर वो लगवा लिया ना ऐसे करके तो इसकी लुक ख़राब हो जाएगी, जो बेसिकली जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वही नहीं रहेगा, तो क्या ही फ़ायदा इसको पहनने का। सो स्लीवलेस है ये और कुछ ऐसा दिखता है, प्रिंट काफ़ी सुंदर लगता है पहनने के बाद। इसमें ना गले पे ऐसे लेस डिज़ाइन है एंड ये लेस डिज़ाइन ना सेम इसकी पेंट्स पे है, इसकी जो प्लाजो पेंट्स है उस पर है इस तरीके से लेस डिज़ाइन, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये प्रिंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोटे वाला कॉटन का कपड़ा इसका है, कॉटन बट मोटे वाला, खादी एंड कॉटन मिक्स जो होता है वो वाला कपड़ा है इसका। एंड अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ ना, ये मुझे पड़ा था 1146 rupees का, 1146 का, तो उसके अकॉर्डिंग इट इज़ नाइस। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई इट आउट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। कपड़ा अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, प्रिंट अच्छा है, लेस का वर्क अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ओनली थिंग विच आई फील लाइक कि अगर वो गला थोड़ा सा ऊपर होता तो मैं इसको डेफिनेटली रख लेती, बट आई थिंक आई विल नॉट कीप इट नाउ, आई विल रिटर्न इट। सो दैट्स दैट। देखो जो मैं रखती हूँ बता दें, जो नहीं रख रही हूँ वो भी बता रही हूँ। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज़ दिस निमिया ब्रांड कॉलर ए लाइन कुर्ता विद प्लाजो। दिस इज़ ऑल्सो इन द साइज एस एंड ये मुझे पड़ा था 1139 rupees का। सो दिस इज़ वट द कुर्ता लुक्स लाइक। बिल्कुल सिंपल ब्राउन कलर, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल स्ट्रेट ब्राउन कलर और एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। सिंपल सी स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे एक बटन है एंड इसका जो प्लाजो है ना उसका जो प्रिंट है उसी की थोड़ी सी लेस लेके इन लोगों ने यहाँ पर लगा दी है। सेम वे इन लोगों ने सेम चीज़ नेक पे लगाई है, ये वाली, और ये बटन्स लगाए हैं। बटन्स ओपन नहीं होते, सिर्फ शो के लिए दे रखे हैं। बहुत लंबा कुर्ता है ये, बहुत ज़्यादा लंबा कुर्ता है। मेरी हाइट है 5'3" और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये बहुत लंबा है। मुझे अल्टर करवाना पड़ेगा इसको पहनने से पहले। फिटिंग वाइज ठीक है, थोड़ा सा इसका कपड़ा भी थोड़ा मोटे वाला कॉटन है, इट्स नॉट वेरी लाइट वन, तो या बट लेकिन सी थ्रू नहीं है, दैट इज़ द मेन थिंग। मैंने इसका मेन रीज़न मेरा ये बाय करने का ये था इसका प्लाजो। लुक एट द प्लाजो पेंट्स, दे आर सो प्रिटी। इसका प्रिंट इतना अच्छा है, इट हैज़ मस्टर्ड कलर के फ्लावर्स एंड पेटल्स इसके अंदर, और उसकी वजह से ये ब्राउन के साथ इतना अच्छा खिलता है। मतलब क्या ही बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन लोगों ने बनाया है। इसमें ना आई थिंक 4 कलर्स अवेलेबल हैं, ब्राउन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, एक और है मुझे अभी वो याद नहीं, सो वो है। तो इसका जो प्रिंट है ना वो ऐसा नहीं है कि वो निकल जाएगा इजीली वॉश करके, क्वालिटी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और जो इसका प्लाजो है वो ब्रॉड वाला है, ज़्यादा भी ब्रॉड नहीं है, मीडियम है, जो कि अच्छा लगता है पहना हुआ उसके साथ। और ये बहुत प्यारा लुक देता है, बहुत एलिगेंट सा, सिंपल येट स्वीट एंड गुड। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो प्लाजो का कपड़ा है वो काफ़ी लाइट है, हल्का है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, गंदे वे में हल्का नहीं है, बट इसके कंपैरेटिव थोड़ा हल्का। ये बहुत मोटा है तो जिसकी वजह से ये बहुत ब्रीदेबल है, ठीक है। कमिंग टू आर नेक्स्ट पीस एंड द लास्ट वन, जो कि मुझे आज सुबह ही रिसीव हुआ था और मैंने सुबह जो वीडियो शूट करी थी उसमें ही आप लोगों के सामने अनबॉक्स किया था, तो अब मुझे दोबारा उसके बारे में बात करनी है। सो दिस इज़ अनूक विमेन फ्लोरल प्रिंटेड अंगरखा
अंगरखा कुर्ता विद प्लाजो, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, अंगरखा ठीक है, प्लाजो विद प्लाजो एंड दिस इज़ इन द साइज एम, और ये मुझे पड़ा था, मैं प्राइस बता देती हूँ, 1035 का, और ये कुछ इस तरीके का आया। दिस इज़ द कुर्ता, अभी आपको समझ नहीं आएगा ठीक है, ये ना ट्राई ऑन में ही समझ आएगा आपको कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं है, बट आप प्रिंट देख लो, प्रिंट बहुत अच्छा है, उसका मटेरियल सबसे अच्छा है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट वाला कॉटन है जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे ना पहनने के लिए उस टाइप का, 3/4 स्लीव्स है इसकी और इस तरीके से फ्लावर बने हुए हैं पूरे के पूरे इस पर। अब ये क्या है ना, ये आपको जैकेट की तरह पहनना है, बस इसमें ना फ्रंट के एरिया पे ऐसे कुछ स्ट्रिप दी हुई है ये, और फिर उसके बाद ये लेना है और वो ऐसे डालना है और फिर वो बांध देना है। सो ये कुछ इस तरीके से है जो कि पहनने के बाद ही आपको समझ आएगा, क्योंकि मुझे भी अभी एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, मैं भी सिर्फ कपड़े की और क्वालिटी की बात कर लेती हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत प्यारा है, प्रिंट बहुत अच्छा है, निकलेगा नहीं, स्मेल्स ऑल्सो गुड, दैट्स दैट। और इसका जो प्लाजो है वो नॉर्मल जैसा हमारा ब्लैक प्लाजो होता है वैसे ही, बट इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, जैसे वो होते ना पैरों से निकलते हुए जाते, नहीं, आई थिंक ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, थोड़ा सा एंकल तक आएगा ये, विच इज़ वेरी नाइस, और थोड़ा ऊपर कर लूँगी तो और थोड़ा सा क्रॉप वाली फीलिंग देगा, सो दैट्स दैट। और ये नीचे से नैरो नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, सो इट्स समथिंग लाइक दिस बीच का। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट टॉप की ज़्यादा बेटर है। सो इसके बारे में बस यही, क्योंकि मैंने ये अभी तक ट्राई ऑन नहीं किया ना, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकती कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा होगा। मेरे इसको लेके जो थॉट्स होंगे वो आपको इस ट्राई ऑन के बाद पता लग जाएंगे, ठीक है, सो दैट्स दैट। बट मुझे थोड़ा सा सूट के बारे में बात करनी थी, सो द थिंग इज आई रियली रियली लव इट। इसको पहनना थोड़ा सा ट्रिकी है, जो वो पट्टी दे रखी थी ना वो हमारे हाथ के नीचे से आएगी, इधर आएगी एंड देन आर हैंड कम्स, और ऊपर से फिर इसको यहाँ पर ले जाकर इसको बांध देना है। थोड़ा सा ट्रिकी है पहनना, एक बार आ गया दिन इट्स वेल एंड गुड, बट पहना हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, एज यू गाइस कैन सी ऑलरेडी, आई लव इट, आई लिटरली लव इट, गो फॉर इट। ओके गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं हर वीडियो में 5 चीज़ें उठाती हूँ और उनके बारे में बात करती हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ इनफ, क्योंकि फिर मुझे ना प्रॉपर टाइम मिल जाता है हर एक के बारे में सब कुछ चीज़ें बताने का, वरना सिर्फ एक उठाऊँ दिखा दूँ, एक दो बातें बोलूँ छोड़ दूँ, तो फिर अगर आप लोग उस चीज़ को बाय करते हो और वो वैसी नहीं निकलती है तो फिर क्या ही फ़ायदा मेरा वीडियो बनाने का, राइट? तो इसीलिए एंड आई थिंक इतना काफ़ी है कि हाँ, इतना ही प्रोडक्ट एक वीडियो में, और फिर उसके बारे में अच्छे से बात करके वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं बनती और आप लोगों को पता भी चल जाता है क्या है क्या नहीं है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड देखने हैं मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। सो या गाइस, दैट्स दैट, एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। डू लेट मी नो विच वन वॉज योर फेवरेट और आप इनमें से क्या ट्राई करोगे, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय।